बैटरी कितनी बची है यह देखने के लिए सेटिंग एप्लीकेशन खोलें। इसके बाद बैटरी पर टैप करें। बैटरी खर्च पर टैप करके जानें कि चार्ज करने के बाद आपने फोन को कितनी देर तक इस्तेमाल किया और किन एप्लीकेशन की वजह से बैटरी सबसे ज्यादा खर्च हो रही है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन के लिए बैटरी के इस्तेमाल की सीमा तय करनी है तो नीचे स्क्रॉल करें, कोई एप्लीकेशन चुनें। इसके बाद बैटरी के इस्तेमाल के लिए कोई पाबंदी नहीं, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल या इस्तेमाल पर पाबंदी में से एक विकल्प चुनें। अपने फोन की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए फोन को धीरे चार्ज करने की सुविधा चालू की जा सकती है। बैटरी सेटिंग की होम स्क्रीन पर जाकर अडैप्टिव चार्जिंग की सुविधा पर टैप करें। अडैप्टिव चार्जिंग की सुविधा इस्तेमाल करें पर टैप करें। अन्य डिवाइस को चार्ज करने के लिए इसे पिक्सेल फोन के पीछे रखें और बैटरी शेयर पर टैप करें। इसके बाद बैटरी शेयर का इस्तेमाल करें पर टैप करें। तय सीमा तक बैटरी शेयर होने के बाद इस सुविधा को बंद करने के लिए स्लाइडर को एडजस्ट करें। फोन की बैटरी कम होने पर आपके पास बैटरी सेवर की मदद से सेटिंग एडजस्ट करने का विकल्प है। बैटरी सेवर पर टैप करें। बैटरी सेवर इस्तेमाल करें पर टैप करें। आपके पास बैटरी सेवर को शेड्यूल करने का भी विकल्प है, ताकि बैटरी के एक समय सीमा तक पहुंचने पर यह सुविधा अपने आप चालू हो जाए। बैटरी सेवर की सुविधा कब चालू हो यह मैनेज करने के लिए शेड्यूल और रिमाइंडर पर टैप करें। बैटरी लेवल के हिसाब से बैटरी सेवर की सुविधा चालू करें पर टैप करें। इसके बाद स्लाइडर एडजस्ट करें। बैटरी कम होने पर इसका रिमाइंडर पाने के लिए बैटरी सेवर रिमाइंडर को चालू करें। कुछ चुनिंदा एप्लीकेशन और उनसे सूचनाएं मिलने की सुविधा को बंद करके बैटरी खर्च को और कम करने के लिए एक्सट्रीम बैटरी सेवर पर टैप करें। अगर एक्सट्रीम बैटरी सेवर की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है तो हर बार इस सुविधा के चालू होने पर आपको इसकी सूचना दी जाती है।